नमस्कार दोस्तों, ASP.NET की इस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेबल कंट्रोल के बारे में। लेबल कंट्रोल जो है वो एक प्रकार का आउटपुट कंट्रोल है जो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए ही काम में लिया जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो सामने दिख रही हैं आप लोगों के। एसोसिएटेड कंट्रोल आईडी है और टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एसोसिएटेड कंट्रोल आईडी किसी भी अदर कंट्रोल के साथ एसोसिएट होती है ताकि उस कंट्रोल को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकें। टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है लेबल की, एज ए लेबल काम करती है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक क्लास होती है। लेबल भी एक क्लास होती है, टेक्स्ट बॉक्स भी एक क्लास होती है। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट कंट्रोल है, यहाँ से हम लोग वेब पेजेस के अंदर इनपुट लेते हैं। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे टेक्स्ट मोड है, एक्सेस की है, बहुत सारी होती हैं। तो हम जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इनको समझते जाएंगे। तो एक्सेस की यहाँ पे है क्योंकि लेबल हम लोग इसमें बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें एक इवेंट है ऑन टेक्स्ट चेंज। ऑन टेक्स्ट चेंज का मतलब है जब भी टेक्स्ट बॉक्स से फोकस आउट होगा तब ये इवेंट जो है वो रेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि पेज जो है वो पोस्ट बैक होना चाहिए। पेज पोस्ट बैक का मतलब ये होता है कि पेज जो है वो रिफ्रेश होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जानी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अपना विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन कर लीजिए, एक नया वेब फॉर्म जो है वो उसमें ऐड कर लीजिए, सिंपल लेबल रख लीजिए और उस पर कुछ टेक्स्ट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी द्वारा चेंज कर दीजिए। देखिए प्रॉपर्टी है और उसका जो टेक्स्ट है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। यूजर नेम, जैसे कि मैं हिंट देता हूँ कि डायरेक्टली हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को कैसे फोकस कर सकते हैं। तो मैं इस यूज़र नेम के जो लेबल का टेक्स्ट है उसमें यू को अंडरलाइन कर देता हूँ। बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो इस पर यू पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं यू को एज ए फोकस बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग जो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसमें जैसे ही आप लोग ऑल्ट और यू जो है वो प्रेस करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस कर सकते हो। ये देखिए अभी दिखाते हैं टेक्स्ट। मैंने अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें यू को जो है वो एक फॉर्मेटिंग द्वारा चेंज कर दिया है और एसोसिएटेड लेबल आईडी जो है वो टेक्स्ट बॉक्स दे दी है। अब टेक्स्ट बॉक्स की जो एक्सेस की है उसमें मैं यू डाल देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि जो लेबल कंट्रोल है वो हिंट दे रहा है कि मैं एसोसिएटेड हूँ टेक्स्ट बॉक्स से, और आप जैसे ही ऑल्ट यू प्रेस करोगे तो आप लोग जो है वो डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स पर जा सकोगे। व्यू इन ब्राउजर करके आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही ऑल्ट यू जो है वो प्रेस करूंगा तो आप लोगों को डायरेक्टली हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों, आप लोगों ने एक्सेस की प्रॉपर्टी को देखा ही है। आगे हम लोग इसकी टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी है, फोर कलर, बैक कलर, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो बाद में हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिकल चलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी आप लोग इसके एक्सेस की प्रॉपर्टी ही सीखें, लेबल की है और टेक्स्ट बॉक्स के एक्सेस की है। अब इसका ऑन टेक्स्ट चेंज जो इवेंट है वो देखिए। ऑन टेक्स्ट चेंज इवेंट का मतलब है कि पेज जो है वो पोस्ट बैक होना ज़रूरी है, तभी ये इवेंट जो है वो चलेगा, अदरवाइज ये इवेंट जो है वो चलेगा ही नहीं। तो देखिए मैंने इसमें लेबल का जो टेक्स्ट है वो ही चेंज किया है। जब भी मैं इससे फोकस आउट होऊंगा तो लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट है वो बदल जाएगा और जो रन टाइम पर जो टेक्स्ट है वो उसमें आ जाएगा। तो एंटर योर यूज़र नेम, मैंने ये लिखा है, वहाँ पर सिर्फ यूज़र नेम लिखा हुआ है। लेकिन देखिए अगर पेज पोस्ट बैक नहीं होता है तो आप लोगों को रिजल्ट जो है वो नहीं दिखाई देंगे। देखिए अब मैंने कुछ लिखा और जैसे ही मैं टैब की प्रेस करता हूँ, देखिए मेरा जो फोकस आउट हो चुका है और URL पे मेरा फोकस है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो चेंज आने का मतलब है कि आप लोगों का पेज जो है वो पोस्ट बैक होना ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बॉक्स पर इवेंट अप्लाई कर रहे हो तो इसका ही आप लोगों को पोस्ट बैक करना होगा। तो ऑटो पोस्ट बैक जो प्रॉपर्टी आती है उसको आप लोग फॉल्स को ट्रू कर दें। तो जैसे ही आप लोग इससे फोकस आउट होंगे और आप जैसे ही टैब की प्रेस करोगे फोकस आउट होंगे और आपका रिजल्ट जो है आप लोगों के पास होगा। देखिए जैसे मैंने कुछ लिखा और जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की, देखिए लेबल का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। एंटर योर यूजर नेम जो रन टाइम पर था वो इवेंट जो है वो रेज हो चुका है। तो ये ऑन टेक्स्ट चेंज इवेंट तब चलता है जब आप लोग टेक्स्ट बॉक्स से फोकस आउट होते हो।
तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो यहीं तक था। हम लोगों ने आप लोगों को लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया है। ऐसे ही हमारे वीडियोस जो हैं वो आप लोग देखते रहिए। उसके लिए आप लोग हम लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। हम पूरे के पूरे वीडियोस जो हैं ESP.NET आप लोगों को सिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।